बच्चों की प्रतिभा को शिक्षकों ने दिए नए पद। खंड शिक्षा अधिकारी ने किया सभी का मार्गदर्शन। यहाँ शिक्षिकाएं अपने स्तर से करती हैं बच्चों की प्रतिभा निखारने का प्रयास। छात्राओं का कहना है कि हमारा सौभाग्य की माता के समान है हमारी अध्यापिका। जनपद कानपुर देहात के कस्बा अकबरपुर के ग्राम गोगनियापुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं को गृह विज्ञान एवं कला क्राफ्ट की प्रयोगात्मक परीक्षा का आयोजन किया गया। बच्चों ने नए नए मॉडल बनाकर तथा भोजन बनाकर खंड शिक्षा अधिकारी अजब सिंह को अचंभित किया। सहायक अध्यापिका आभा अवस्थी ने बताया कि उन्होंने अपनी दोनों सहायक अध्यापिकाओं संगीता दीक्षित व अर्चना संखवार के साथ मिलकर इस आयोजन की योजना बनाई और सभी ने इस योजना में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। बच्चों के आमंत्रण पर खंड शिक्षा अधिकारी अजब सिंह को आमंत्रण भेजा गया। कार्यालय में जब बच्चे पहुंचे तो खंड शिक्षा अधिकारी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और प्रयोगात्मक परीक्षा में पहुंचने का भरोसा दिया। परीक्षा में पहुंचकर खंड शिक्षा अधिकारी ने बच्चों के कार्यों को देखकर उनका उत्साह वर्धन किया और मार्गदर्शन भी किया। वही विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा बच्चों की प्रशंसा की गई। वही विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय के सभी शिक्षक पूरे मनोयोग के साथ अपना कार्य करते हैं और बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करते हैं। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ इंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। जैसे बॉय का गर्ल है, बुल का काऊ, हॉर्स का मेयर, मेन का वुमेन। इससे हम लोगों को सीखने के लिए आसानी रहती है। जैसे कि आशा का निराशा, सत्य का असत्य, मित्र का शत्रु, पाप का मैं बोलते रहो, वीडियो भी बन रहा है। सुभी को पकड़ा तो सुभी कहाँ रह गई? ये है वाटर साइकिल। यहाँ से पानी, सूर्य अपनी किरणों से पानी को वाष्पित करता है। यहाँ से फिर बादल बनते हैं, बादल पेड़ बादल को आकर्षित करते हैं, फिर पानी बचता है, थोड़ा धरती सोखती है पानी को, फिर यहाँ नदी तालाबों में ऐसा ही फिर से होता है, बादल बनते हैं, फिर पानी बचता है। ये मेरी सुरक्षा डाल कैसे, जैसे विटामिन ए बी सी डी ई, जब ये हमारे शरीर में होते हैं तभी तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं। इस बालों के लिए और हमारे खाल के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए, और इसमें अन्य पोषक तत्व जैसे है फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये खनिज तत्व जैसे आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। जब ये हमारे शरीर में होते हैं तभी तो हम लोग स्वस्थ रहने योग्य रहते हैं। ऐसा लगा आपको? बहुत अच्छा। आप डेली स्कूल आने आएंगे ना? यस मैम। क्यों? ऐसा क्या होता है? यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होती है, यहाँ पे बहुत खेलने को मिलता है, हम लोग घूमने भी जाते हैं। हम लोग नई नई चीजें सीखते हैं। क्या क्या होता है? अच्छा आप इस रूम में क्या क्या होता है? कुकिंग करते हैं, हम लोग अपने काम करते हैं, बताते हैं, और जो बताया जाता है वो करते भी हैं।